यार यहाँ पे तो सांप बन के रहना पड़ेगा। तुम लोगों ने स्वीटी आपे को देखा है? नहीं बताएंगे। ये ऑडियंस देख लो गाइस, ऑडियंस। यार मुझे बहुत ज्यादा अंदर घुटन हो रही है, कहीं तो है यहीं पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैजबीन और आज फिर से मैं बनाने वाली हूं अपने ही घर में सीक्रेट रूम। ये घर मेरा गांव का घर है और यहां छुपने के लिए बहुत 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 सारी जगह है। मतलब जैसे सांप के पास एक बिल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास कई तरीके के बिल बने हुए हैं और मेरी मर्जी है मैं कहीं पे भी छुप जाऊँ। कुछ जगह ऐसी है जो साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ छुप सकती है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा की तरह मुझे ढूंढने वाली है मेरी बहन समरीन। और फिलहाल मैंने समरीन को किसी और रूम बंद कर रखा ताकि वो मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग सुन ना सके और समझ ना सके। चलो देखते हैं कि मुझे कौन सी जगह मिलती है, आ जाओ। तो गाइज मैं ना अभी आ चुकी हूँ, मेरे बड़े पापा की क्लिनिक है ये छोटी सी, तो इसमें मैं पहले देख लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ कोई जगह कि यहाँ कुछ मुझे मिल जाए छुपने की जगह। यहाँ वैसे एक बक्सा दिख रहा है मुझे, ये वाला जो मुर्गियों का है, मुर्गियाँ छुपती है इसमें, मैं तो उसमें नहीं छुपने वाली। यार यहाँ पे ना ये हम लोगों की बकरी है, वो भी थोड़ी सी भूखी है, मेमे कर रही है, तो उसको पहले हम खाना खिला देते हैं। गाइस मुझे लगता है मेरे सीक्रेट रूम को ढूंढने के लिए मुझे स्कूटी की जरूरत पड़ेगी और अब मैं चली अपने पूरे गांव में घूमने की मैं कहाँ छुप सकती हूँ। हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अब उतर जाना चाहिए। तो यार यहाँ पे तो बिल्कुल खतरे से खाली रही है इधर सीक्रेट रूम बनाना, तो इसलिए हम चलते हैं अपने घर के अंदर और वहाँ देखते कोई हमें छोटी सी जगह मिलती है या नहीं। क्लिनिक से निकलने के बाद मैं सीधा चली गई अपने आंगन में, लेकिन वहाँ एक छोटी सी जगह थी जहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं छुप सकती थी। तो यार मैं अब आ गई हूँ बाथरूम के अंदर और यहाँ पूरा ये खुला हुआ है, इसमें सब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई हाथ धो रहा है, तो फिर इसमें मैं फंस सकती हूँ। घर वालों को तो मैं अपनी टीम में ले लूंगी, पर जो समरीन है ना, अगर उसने पकड़ लिया तो मेरा गेम ओवर, तो हम कहीं और ढूंढते हैं। मेरा एक स्टोर रूम है इधर की साइड, उसमें देखते जगह है। यार अभी जिस एरिया में हूँ ना मैं, वो एरिया ऐसा है मेरे घर का जो कि इसका कोई भी मतलब कोई भी यूज ही नहीं करता है ना किसी चीज में, इस एरिया की जरूरत होती है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये हम लोगों ने क्यों बनवा रखा है, इतना स्पेस खाली क्यों है, अब मुझे ये नहीं पता, कभी ना कभी यूज हो जाएगा, पर अभी तक जब से ये बना है तब से इसका कोई काम ही नहीं है। ये कबाड़ तब से ही भरा हुआ है यहाँ पर, ना कोई यहाँ पे आता है ना कोई यहाँ पे जाता है, तो इस एरिया में मुझे ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पे छुपने पे, तो इसको भी फ्लॉप करते हैं हम। तो अब चलते हैं सीधा छत पे और देखते छत पे कुछ मिल जाए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी ही छत पे और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ जगह मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल छत है, एक छत पे तो काम चल रहा है, वहाँ तो छुप ही नहीं सकती। और यहाँ पे हो रहा है अभी सनसेट, बहुत ही अच्छा सनसेट वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो गाइस क्या व्यू है, ऐसा लग रहा है कि मैं गोवा में आके बैठी हुई हूँ किसी बीच पे। तो गाइस मेरे सामने ना एक ऐसा घर बना बनाया रखा है जिसमें मैं आराम से छुप सकती हूँ, और ये रहने वाला एक पूरा घर लग रहा है। और यहाँ पे दो बच्चे हैं जिन्होंने ये पहले से अपने खेलने के लिए बनाया, पर अब मैंने सोचा कि अब मैं यूज कर सकती हूँ और ये आज ही बना है, समरीन को कुछ पता नहीं होगा। और वो है ये वाला घर। तो ये जो घर है ना ये थोड़ा सा डरावना दिख रहा है और अंधेरे में बहुत ज्यादा है, और ये जो जगह दिख रही है ना ये है इसके अंदर घुसने की, जिसके अंदर मुझे लेट के रहना पड़ेगा। ये है वो बच्चा जिसको मैंने बनाया है और इसने मेरी हेल्प करी है। वैसे मुझे पता नहीं था कि इसने कुछ ऐसा घर बनाया, इसने अब बताया है और ये सुबह से यही काम करता है। ये भी इसका छोटा भाई जो है जुगाड़ से, बताओ जरा। ये बन रहा है घर और ये बच्चा घुस रहा है इसके अंदर। ओ भाई बहुत अंधेरा है ना, इन बच्चों को भी बोल देती हूँ एक बारी कि समरीन को कुछ भी ना बताए, तो तुम्हें तो पता है ना कि अभी है ना मैं छुपने जा रही हूँ, समरीन को नहीं बताना है कि मैं कहाँ छुपी हूँ, ठीक है? मैं कभी भी, वाह ये अच्छी बच्ची ये बोल रही है कि मैं कभी भी किसी की बात नहीं बताती, वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मेरे फोन की बैटरी भी नहीं है और मेरा पावर बैंक भी नहीं मिल रहा है, और मुझे इसी 22% से काम चलाना पड़ेगा कैसे भी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी दुकान में और चलो अभी लेते हैं यहाँ से कुछ सामान खाने पीने की। पास्ता ले लेते हैं, यहाँ के हिसाब से पास्ता इसको कहते हैं। और एक दो टॉर्च है मेरा वहाँ पे रखा हुआ, लिया ना, अंदर में लाइट नहीं है तो इसलिए मैं टॉर्च लेकर आई हूँ। डर लग रहा है कि अंदर से मकड़ी वकड़ी ना निकल जाए और असली में ना निकल जाए। यार यहाँ पे तो सांप बन के रहना पड़ेगा। मी ये देखो गाइस कितना टूटा फूटा डरावना है बिल्कुल। ये ऑडियंस देख लो गाइस, ऑडियंस ये है, सीक्रेट नहीं है ये बिल्कुल भी। अभी अभी खबर आई है समरीन मेकअप कर रही है और वो उठ चुकी है ना, इसने बता दिया सूबी ने कि वो अभी दूसरे रूम में बैठी हुई है।
भाई पूरा बंद हो चुका है ये जो बात है ना। सबसे अच्छा सीक्रेट रूम मेरा ये वाला ही बना है गाइस। ये लोग मुझे छेद से देख रहे हैं, दिखाती हूँ मैं अभी। आपस इस भूतिया जगह पे बंद हो चुकी हूँ। मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा है, सामने से मुझे लोग देख रहे हैं कि ये लड़की पागल हो गई है क्या। भाई ये बच्चे आके फंसा देंगे, ये लोग यहीं पे खेल कूद कर रहे हैं। तो मैं ना अभी आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि ये जो फर्नीचर है ना, ये फर्नीचर है जो टूट फूट के यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे ये घर बना है, वो मेरी अम्मी की शादी का फर्नीचर है जो कि टूट फूट गया है। तो ये ऐसे रखा हुआ था, तो इन बच्चों ने खेलने के लिए बनाया है। तो ये तो बड़ी ही अच्छी बात हो गई कि मेरे काम भी आ गया, सब कुछ हो गया, मैं यहाँ पे ढंग से लेट नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत छोटी जगह है। और ये देखो ये फर्नीचर है जो मेरी अम्मी की शादी का है। चलो कोई बात नहीं, ये फर्नीचर कुछ तो काम आया। अब मैं सोच रही हूँ कि सबनीन को कॉल करके बोल दूँ कि वो मुझे ढूंढने के लिए आ जाए, तो चलो करते हैं। कहाँ यार, जल्दी बताओ ना, इतना टाइम हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ। रुको जरा, सबर करो, ऐसी जगह छुपी हो ना कि ढूंढते ढूंढते सात जन्म निकल जाएंगे। तुमसे ज्यादा सीक्रेट रूम बनाया है और तुमसे ज्यादा पता भी है, अभी के अभी पता चल जाएगा कहाँ पे छुपी हो। तो ठीक है, 15 मिनट है तुम्हारे पास, ढूंढ सकती हो तो ढूंढो। गाइस जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि मैंने उसको कॉल कर दिया है और वो कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाली है, अपने रूम में से निकल के मुझे ढूंढने वाली है। गाइस सिर्फ उसे 15 मिनट है यार, और ये इतना बड़ा घर बाहर से लेकर कहाँ तक जा जाकर देखो, मुझे कोई आइडिया ही नहीं हो रहा अभी कि कहाँ ढूंढना। बातें कब बनाते हैं, और पहले देखते हैं कि कहाँ छुपी होगी। इसके इधर रूम है, इसमें देखते हैं पहले। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है यार कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई छुपने की जगह है नहीं। और आज तो मकासा ही मेरा साथ नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर सो रहा है, मुझे नहीं लगता मकासा को आज कुछ पता है। ये देखो, ओ भाई मैं बहुत देर से अंदर हूँ यार, बहुत गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है, बहुत घुटन हो रही है, और अब तक वो नहीं आई है, पता नहीं कहाँ ढूंढ रही होगी मुझे। गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ, किचन में तो कोई जगह नहीं छुपने की, एक ये दिख रहा है मुझे जिसके अंदर वो नहीं होगी, खाना वाना रखा है इसके अंदर, पता नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, पर ये बच्चे ना मुझे फंसवा दे यहीं पे बैठ के, खड़े होकर बातें कर रहे हैं। अम्मी सुटा पे कहाँ है, आप लोगों को पता है क्या किधर छुपी हुई है? पता नहीं, सबके सब चोर हैं। ठीक है, छोड़ छोड़ छोड़, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसी जगह छुपी हूँ जहाँ से ढूंढना नहीं, ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे कहना क्या चाहते हो? इधर जाके एक रूम है लास्ट में, मुझे लग रहा है इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ तो काम चल रहा है यार, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती, और बिल्कुल खाली है ये, यहाँ से निकलो जल्दी। बच्चों इधर आओ, इधर आओ। अरे अरे एक बच्चे ना आगे बताएगी समझी आने वाली। तुम लोगों ने स्वीटी आपी को देखा है? नहीं बताएंगे, इतना बुरा यार, जाओ। भाई ये बच्चे मुझे फंसवा देंगे, छोटी छोटी अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर, लेके स्विच आप ये स्विच आप वो, और मैं फंस ना जाऊँ इसी वजह से। उधर होगी क्या? उधर चलो ना देखते हैं यार, अब तक पता नहीं वो लोग कहाँ पे ढूंढ रहे हैं मुझे, और इतना टाइम। गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बड़े पापा क्लिनिक में, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही है, मैं आराम से बैठी कैसे यार। मैं तो मेरे पीछे सारे बच्चे आ रहे हैं, और सारे बच्चों को पता है, और उसने रिश्वत देकर ना उसको चुप करा रखा है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, लेकिन देख लूंगी मैं अभी। ठीक है कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत घुटन हो रही है, और अंधेरा भी होने वाला है, मुझे बहुत टाइम हो गया इसके अंदर रहते रहते, पागल हो जाऊंगी मैं नहीं तो। मुझे लग रहा था इसके अंदर होगी, लेकिन यहाँ पर भी नहीं यार। और क्लिनिक जो है इस पे ताला लगा हुआ है, तो अंदर तो वो जा ही नहीं सकती है। क्या खबर है? कोई खबर उबर नहीं है। गाइस ये तो अनयूटिलाइज एरिया है, यहाँ पर कोई आता नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, तो नहीं छुप सकती है वो, ना भी नहीं रह पाएगी। लेकिन यहाँ पर तो मुझे खुला दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं होगी, कहीं पर तो नहीं दिख रही है, इधर बॉक्स के अंदर नहीं, देख लेती उठा के। ये बॉक्स में घुसी है। मुझे लगता है यहाँ पे अब सिर्फ एक जगह बची है, और जो की है छत। अब मैं जा रही हूँ छत पे, मुझे लगता और यहाँ पर किसी भी रूम में होगी वो, पता नहीं, चलो जल्दी करें। वो आ गया देखो। ओ भाई आ गई आ गई आ गई, मुझे फ्लैश लाइट ऑफ करनी होगी गाइस, सॉरी गाइस, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे, मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? लगता है वो दूसरी साइड चली गई। यार मुझे बहुत ज्यादा अंदर घुटन हो रही है, मेरी सांस बंद हो रही है बिल्कुल। गाइस यहाँ पर तो काम हो रहा है, वो यहाँ पर तो नहीं छुप सकती है, और बाकी मैंने पूरे छत पे देख लिया, वो नहीं है कहीं पर भी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टाइमर भी खत्म होने वाला, मैं क्या करूँ यार, अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। कहीं तो है यहीं पर। भाई यहाँ पर समनेन जो है मुझे कॉल करके पता लगा रही है मैं कहाँ हूँ, कितनी देर। जाओ अभी कॉल नहीं देखेंगे।
जो यहाँ पर छुपी हो। अबे यार फंस गई बहुत गंदी तरीके से। मैंने इसको अभी कॉल की थी कि कहाँ हो और इसने कॉल नहीं उठाई बहुत बार। और जब इसने कॉल उठाई तो इन बच्चों के हंसने की आवाज आई थी, जो कि मेरी तरफ भी आई थी, इसकी तरफ भी आ रही थी। निकलो जल्दी, अब तुम हार चुकी हो। मेरी हालत देखो जरा, मुझे अंडरग्राउंड कर दिया गया था, पनिशमेंट मिली थी। और सही में ये कोई सांप लग रही है, वो भी काला सांप। तो ले डस दिया, फिर ढूंढ तो लिया ना। तो यार कोई बात नहीं, इन लोगों इसने मुझे ढूंढ लिया और इन बच्चों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है। इन बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। इन बच्चों को मैंने पास्ता की गुट्टी खिलाई थी। फिर भी इस चैलेंज के बिना तो यही है, इसके लिए तालियां हो जाए। बस अगला वोट गांव की नेता यही बनेगी। तो चलो यहीं पर खत्म होती है मेरी ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और कमेंट में जरूर बताना कि क्या मेरे साथ मतलब अन्याय हुआ है या फिर इंसाफ हुआ है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से अंदर घुसी हुई थी, मुझे घुटन हो रही थी, फिर भी मैं अंदर तक टिकी हुई थी। तो अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।